वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार व्लॉग्स। तो गाइस, ये व्लॉग है जैसे कि आपने टाइटल पढ़ी लिया होगा। तो आज हम जा रहे हैं पंजाब टू बॉम्बे बाय थार, और हम दोनों जा रहे हैं साथ में। निकल तो हम सुबह के चुके थे, पर बहुत जल्दी जल्दी हमें पहुंचना था। और अभी हम कहाँ रुके हैं? हवेली मूर्थल में रुके हैं, और सुबह 4 बजे हम निकले थे, अभी 6:30 बज रहे हैं, और हमें कल तक ये जर्नी कंप्लीट करनी है। मतलब सुबह 4-5 बजे तक हम बॉम्बे पहुंच जाने चाहिए। ट्राई करेंगे, बट अगर हमें नींद आई तो हम सो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती करनी है। और मैं लास्ट टाइम भी BMW में गया था और मज़ा आया था, और इस बार भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी कुछ खाते हैं, पीते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं हवेली। और यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, अभी कुछ आया नहीं है हमारा। क्या मंगवाया आपने? मैंने मंगाया आलू प्याज का पराठा, और मैं तो डाइट पे हूँ, सैंडविच मंगवाया मैंने। गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम निकलने वाले हैं आगे के लिए। अरे, कार में मक्खी कहाँ से आ गई? तो थार में जा रहे हैं, देखो सामान लोडेड है। खाना खुना खा के ब्रेकफास्ट कर लिया आज हमने 7:30 बजे, इतनी जल्दी। और अब हम आगे को निकलने वाले हैं। अब हम पकड़ेंगे मूर्थल टू आगरा वाला हाईवे, फिर आगरा से बॉम्बे वाला हाईवे। तो चलते हैं और थार इंजॉय करते हैं। देखो गाइस, ये लेन है, ये सीधा जाती है गुजरात, दिल्ली टू गुजरात। अभी हम आगरा क्रॉस करके गुजरात, देन बॉम्बे ऑलमोस्ट। देखो यार, कितना प्यारा व्यू है। हाँ, बहुत प्यारा है। ऑलमोस्ट आगरा पहुंचने वाले हैं। ये मैं आपको हाईवे दिखाता हूँ, बिल्कुल ही मतलब क्या अमेजिंग हाईवे है। ऐसी गाइस, हमारी थार ये रही और बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शाम होने वाली है, और क्योंकि हम सुबह के 4 बजे उठ गए थे और सिर्फ 11 बजे अभी सुबह के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और भूख भी लगने लगी है। गाइस, क्या वेदर है और क्या अमेजिंग व्यू है। वाओ, है ना? अच्छा, लंच कर लिया है, बहुत ज़्यादा खाना खाया। ओए ओए, पक्खा कितने है यार, पक्खा। और अभी हम ये खाने वाले हैं, मेरा ये है, आगे दिखा रहे हो फिर, और इनका ये। और कल से मेरी डाइट बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक हो चुकी है। बॉम्बे जाके जिम करेंगे। लो जी, बारिश पड़ गई है, और हम कब से सोच रहे थे यार, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, बारिश क्यों नहीं पड़ रही है। तो फाइनली बारिश पड़ गई है। व्लॉगर्स, व्लॉगर्स, छोटे अपना फोन रखा हुआ है, माधव शर्मा व्लॉग्स, HH HH माय थार, थार एंड BMW, बोथ आर इन बॉम्बे ना। ये ओह फक मैन, मैं शर्टलेस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने 3 दिन बहुत गंदा खाना खाया, और मैंने वर्कआउट भी ढंग से। और ब्रो, जो तुम्हारे कार्ब्स लोडिंग दिख रही है पूरी प्रॉपर बढ़िया लग रही है। मेरे एब्स अभी भी थोड़े बहुत क्लियर हैं। सिरा लग रहा है ब्रो, सिरा सिस्टम हो रखा है। एंड इदा जो सिस्टम जो होता ना, आ देखियो, कोई नहीं गाइस, हूँ आप भी 3-4 महीने इतने ही है बॉम्बे, तो हम खिंचा के प्रोग्राम असि, क्योंकि चंगा मिठा मेरा चैनल है यार, मेरा। सॉरी ब्रो, हालो कुछ नहीं है ना कहना है, क्या कहोगे। तो सुबह 4 बजे निकले थे, 1 बज गए हैं रात के, मतलब ऑलमोस्ट 21 आवर्स, 21 घंटे मैं, और ये तो इनका 24 घंटे हो गया। हाँ, 25 घंटे हो गए, पहुंच ही नहीं पाए। और रूम इतनी मुश्किल से मिला है हमें, दादावाड़ी पता नहीं कितने लिखा है, पर जो कार है ना भाई, दिल ले गई। क्यों, क्या अनकंफर्टेबल है कार? लोग बोलते हैं अनकंफर्टेबल है थार, बट बहुत कंफर्टेबल है यार, हमें तो बहुत मजा आया। गड्डी भी कितनी सी ब्रदर। चलो रेस्ट करेंगे और बाकी की जर्नी कल करेंगे, सोएंगे थोड़ा सा और कल करेंगे, कल काम भी करना। गाइस,
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग डे टू। और सुबह के 5 बज रहे हैं, हम 1:30 बजे सोए थे, ये बहुत नींद आ रही है। सेम क्वेश्चन पे आना, क्योंकि पट से हम लोग निकलना चाहते हैं और पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत काम है। और तो मॉर्निंग हो गई है, अच्छे से जाएंगे, अच्छे से पहुँचेंगे और सारे काम निपटाएंगे। बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत थकावट भी हो रही है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं लास्ट टाइम अपनी BMW लेके आया था और थक जाता है इंसान यार, बहुत लंबा सफ़र है पर मज़ा आता है। चलो सफ़र तय करते हैं। डेट नासिक 237 शिरडी 200 बॉम्बे 400 समथिंग। हालत देख रहे हो कैसी हो गई है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब बाय रोड ट्रैवल करने में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलते हैं आपको। अभी क्या हुआ कि हम मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि माधव भाई गए हैं पॉटी करने पेट्रोल पंप पे, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं। बट मैं जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों से, कि मैं कहाँ किस रास्ते से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, वहाँ के लोग अच्छे हैं नहीं है, बहुत मैं नेगेटिव इन सब चीज़ों में, ये भी ऐसी हैं। तो कल हम जा रहे थे और गूगल मैप ने ना एक गांव वाला रास्ता दे दिया, तो हम तो गूगल मैप से जा रहे थे तो गांव वाले रास्ते में निकल गए। रास्ते में घुसते ही सांप दिखा, आगे चलते एक बुढ़े अंकल दिखे, वो अजीब से बिहेव कर रहे थे, मतलब आगे आगे कर रहे थे, हम डर गए। फिर आगे गए, बहुत ही बड़ा सा बर्ड था कोई, मुझे नहीं पता क्या था, उसी रोड पे फिर आगे गए, वो इतनी बड़ी लीजेंड नहीं होती, पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी जो बिल्कुल धीरे धीरे रोड पे चलती है, वो दिखी। और फिर हम उसके बाद निकले वहां से कैसे भी करके, और इतना डर लगा उस रोड पे कि क्या हो रहा है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस भी मिलते हैं और थकावट भी होती है, पर मजा बहुत आता है। अभी भी 350 किलोमीटर पड़े हैं, जाना है, पहुंचना है, काम करना है, काम है मुझे आज बहुत जरूरी, और लेट्स गो। वाह, हमने सारी स्ट्रीट चीजें एक्सप्लोर कर ली। मराठी ब्रेकफास्ट टुडे, मराठी ब्रेकफास्ट। मुझे बैग करना आ नहीं रहा, पर ठीक है, ऐसे आ रहा हूँ मैं, तो अभी मैं चार्ज पीऊँगा। खा लिया, ज़्यादा नहीं खाना यार, क्योंकि डाइट बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उधर भी है। वाओ, ओके गाइस, सो हम ऑलमोस्ट बॉम्बे पहुंचने वाले हैं, आई थिंक मे बी 2 घंटे लगेंगे, और हम नासिक पहुंच चुके हैं, और यहाँ का वेदर आपने देख लिया और हमारी शक्लें भी देख ली हैं, इतने बुरे दिख रहे हैं, और इतने बुरे दिख रहे हैं, तब कहीं भी खाने पीने जा रहा हूँ, लोग मिल रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ आप मुझे ऐसी हालत में क्यों मिल रहे हो, तो बोलते नहीं नहीं सर आप यहाँ पर भी हैंडसम ही लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मजाक उड़ाना उड़ा सकते हो, बट मौसम देखो गाइस, वाओ होए क्या ही हालत हो गई है भाई, पूरा मिट्टी ना भर गया हूं यार, अंधेरी आ गई, हनेरी, साडे पंजाबी च कहंदे नेरी आ गई, नेरी आ गई। ओए होए देखो देखो इत्थे दा तूफान आया वे, देख रहे हो तूफान आ गया भरावो। Finally, हम बॉम्बे आ गए हैं, 2:30 बज चुके हैं, और हमने रात को रेस्ट ली थी, और हम फाइनली बॉम्बे आ गए हैं, और बॉम्बे का ट्रैफिक आप देख ही रहे हो, और मेरे से फोन घूम नहीं रहा है, बट ठीक है, अगर मैं दिख भी रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं भी दिख रहा हूँ तो भी अच्छी बात है। पर हम बॉम्बे पहुंच गए हैं और इतना थक चुके हैं, बट बहुत ही मजा आया। बट बॉम्बे की सड़कों पर मेरी थार चल रही है, मेरे को तो इसी में खुशी हो रही है, पूरा मानसून हम इस थार में निकालने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, BMW नहीं चलाएंगे, कम चलाएंगे, और घर चलते हैं, AC ऑन करवा दिया है, खाना बनवा दिया है, और अब हम खाएंगे पिएंगे फिर सोवांगे। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा,
कि जब हम आते हैं अगर पंजाब से कोई आ रहा है तो दिल्ली नहीं जाना, सीधा ईपीई वाला आप ले लेना, ईस्टर्न पेरिफेरल करके हाईवे है ईपीई, दिल्ली टू वडोदरा, वडोदरा वडोदरा बोला नहीं जाता मुझसे, वहां वो वाला ले लेना, फिर उसके बाद इंदौर आएगा, और इंदौर से दो रास्ते जाते हैं, एक तो सूरत की तरफ से होता हुआ गुजरात की तरफ से, और एक ये जाता है नासिक की तरफ, नासिक की तरफ से, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब, नासिक वाला जो है रास्ता कर देना, नासिक वाला जो है रास्ता वो थोड़ा कम है बट वो पहाड़ी इलाका है, कम किलोमीटर से, सूरत वाला पहाड़ी इलाका नहीं है बट उसका रोड बहुत अच्छा, ये बोल रहा है मुझे नहीं पता है, और जो सूरत वाला रास्ता है, बाय गाइस थैंक यू सो मच, फैसिलिटी अवेलेबल है, इतनी तो फैसिलिटी है रही कोई खान ना, थैंक यू सो मच गाइस, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाय बाय।